साल 2024 का पहला महीना बीत चुका है, लेकिन पहले की ही तरह गलतियों से सीख न लेते हुए अभी भी सोशल मीडिया पर कई लोग भ्रामक और फर्जी दावे शेयर कर रहे हैं। अनजाने में या फिर जानबूझकर यूजर्स कंटेंट शेयर करते हुए गलत सूचनाओं का एक पैटर्न बनाते जा रहे हैं। इस महीने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया में गलत और भ्रामक सूचनाओं के मामले में भारत हाईएस्ट रिस्क पर है। इस साल लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। राजनीतिक दल अभी से चुनाव के लिए तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर इस साल इन चुनाव के इर्द गिर्द गलत दावों और दुष्प्रचार के कई मामले देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के ऐसे ही कुछ चुनिंदा दावों का फैक्ट चेक आपको बताएंगे। साल के पहले ही दिन ये दावा सोशल मीडिया पर चलाया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पाकिस्तान में हुए एक ब्लास्ट में मारा गया। इसके साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि पहली तस्वीर 5 सितंबर 2019 को इस आर्टिकल में पब्लिश की गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर 21 अप्रैल 2021 को पब्लिश की गई थी, जो पाकिस्तान के क्वेटा में एक लग्जरी होटल के पार्किंग में हुई बम विस्फोट की है। और तीसरी तस्वीर 27 दिसंबर 2023 के इस ट्वीट में मिली। ये तस्वीर पाकिस्तान में मौलाना मोहम्मद अमीन पर हुई गोलीबारी की घटना की है। ऑल्ट न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि मसूद अजहर की मौत हुई है या फिर नहीं, क्योंकि किसी विश्वसनीय समाचार एजेंसी ने ये खबर नहीं दी। लेकिन इतना तो साफ है कि ये तीनों तस्वीरें पुरानी और असंबंधित घटनाओं की है। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि बेंगलुरु में एक जिहादी हिंदू लड़कियों को अगवा करते हुए दिखा। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो के संदर्भ में जांच की और पाया कि ये वीडियो इजिप्ट का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पारिवारिक विवाद की वजह से एक पिता ने अपनी ही बेटियों के अपहरण की कोशिश की। इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने भी इस घटना के बारे में बयान दिया था कि काहिरा में एक महिला ने अपने पूर्व पति के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी थी कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर दो बच्चों में से एक को उसकी इच्छा के बगैर अगवा किया। यानी वायरल वीडियो इजिप्त में पारिवारिक विवाद के बाद बच्चियों को अगवा कर रहे एक पिता का है, न कि बेंगलुरु में मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू लड़कियों को अगवा किए जाने का। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में हिंदू देवता राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस घटना के चलते सोशल मीडिया पर अयोध्या और राम मंदिर को लेकर कई तरह के दावे किए गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चलाते हुए कहा गया कि जटायु अयोध्या पहुंचे हैं। हमारी जांच में सामने आया कि ये वीडियो अक्टूबर 2021 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। वहीं साल 2022 में TV9 मराठी ने ये वीडियो शेयर किया था और लिखा था कि किसी गंभीर मामले पर एक जरूरी बैठक बुलाई गई है। गिद्धों का वायरल वीडियो देखिए। यानी अयोध्या पहुंचे जटायु के रूप में शेयर किया गया वीडियो पुराना है। अयोध्या का बताते हुए ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर महोत्सव में फूल बरसाने पर दलित समाज के बच्चे को पीटा गया। हमारी जांच में सामने आया कि ये घटना फरीदाबाद की है। गीता जयंती कार्यक्रम में टीचरों ने छात्र को पीटा था। एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि ये छात्र कथित तौर पर फूल फेंक रहा था जो टीचर को लगा और उसके बाद टीचरों ने उसकी पिटाई की। तो वहीं एक और टीचर के हवाले से लिखा है कि ये बच्चा कार्यक्रम में डांस कर रही लड़कियों पर फूल फेंक रहा था, जिससे टीचरों ने गुस्से में आकर उसकी पिटाई की। तो क्विंट ने पीड़ित लड़के की मां से भी बात की, जिन्होंने बताया कि वो ब्राह्मण समाज के है। अयोध्या पुलिस ने भी वायरल दावे को गलत बताया था। राम मंदिर उद्घाटन से जोड़कर ये एक और तस्वीर शेयर की गई थी। इसके साथ वहां की तैयारियों का मजाक उड़ाया जा रहा था।
ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि ये अर्धनिर्मित टॉयलेट्स की वायरल तस्वीर वाराणसी के स्वरवेद मंदिर से जुड़ी है। ये तस्वीर भी अधूरी जानकारी बयान कर रही थी, असल में वहां टेंट से इन शौचालयों को घेरा गया था। राम मंदिर से जोड़कर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विकास बंसल ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर बनाया गया है। न्यूज 24 ने भी संजय राउत का ऐसा ही बयान ट्वीट किया। भाजपा नारा का होता तावड़ाला मंदिर वही बनाएंगे, जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है, वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने वायरल स्क्रीनशॉट और बाबरी मस्जिद की पुरानी तस्वीरें और हाल के सैटेलाइट इमेज को कंपेयर किया और डिटेल में जांच की। हमने पाया कि असल में राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। कांग्रेस ने मणिपुर से 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। इसी यात्रा में राहुल गांधी का क्रेज दिखाने के लिए कांग्रेस हैंडल्स ने ये वीडियो ट्वीट किया था। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इस वीडियो का शुरुआत का कुछ हिस्सा ओडिशा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का है। ये क्लिप साल 2023 में इंटरनेट पर शेयर की गई थी, यानी कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो का शुरुआत का क्लिप न सिर्फ पुराना है बल्कि दूसरे राज्य का भी है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से जोड़कर ये वीडियो भी इंटरनेट पर काफी शेयर किया गया। इसे शेयर कर यूजर्स दावा करने लगे कि भारतीय नेवी ने पानी के अंदर भगवा झंडा लहराया। ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के बारे में जांच की और पाया कि ये एक स्कूबा डाइवर का स्टंट था। करमन भा चमड़िया नामक स्कूबा डाइवर ने गुजरात में ये स्टंट किया था। ऑल्ट न्यूज ने करमन भा से बात की, उन्होंने बताया कि वो भारतीय नेवी से जुड़े हुए नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विराट कोहली के हिस्सा लेने के दावे के साथ ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया गया। दैनिक भास्कर और गुजराती न्यूज़पेपर दिव्य भास्कर ने इस वायरल वीडियो का स्क्रीन ग्रैब पब्लिश किया था। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की छानबीन की और पाया कि ये क्लिप 20 सितंबर 2023 को यूट्यूब पर पोस्ट की गई थी। आगे जांच जारी रखते हुए हमें मालूम हुआ कि विराट कोहली गणेश चतुर्थी के मौके पर राहुल कनाल के घर पहुंचे थे। राहुल कनाल ने भी इंस्टाग्राम पर इस बारे में जानकारी दी थी। इसी तरह ये वीडियो भी पुराना निकला। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दुबई के बुर्ज खलीफा पर हिंदू देवता राम की छवि दिखाने के दावे के साथ ये तस्वीरें शेयर की गई। ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि ये दोनों वायरल तस्वीरें असल में एडिटेड है।